Hello students, today we will solve exercise 1D. Question number A. Write each of the following numbers in words using the International Place Value System. Students, in previous periods, in month of April, we have solved exercise 1A. To exercise 1C. And now today we will solve exercise 1D. Okay, and question number A of this exercise is write each of the following numbers using International Place Value System in words. Okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो गिवन नंबर्स है उन्हें वर्ड्स में लिखना है, वो भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से. ओके, सो वी नो द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वी लर्न अबाउट थ्री पीरियड्स. देर आर थ्री पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स. These are periods. Okay. Indian place value system में हमने three periods के बारे में पढ़ा. Ones, thousands and lakhs. And ये जो ones जो period है, वो three places में divided है. Ones, tens and hundreds. Okay. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में थ्री पीरियड्स के बारे में हमने पढ़ा, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स, जिसमें वंस पीरियड्स में थ्री प्लेसेस होती है. ओके, ये पीरियड्स हैं, है ना, ये फर्स्ट वाली जो रो है वो पीरियड्स की है एंड सेकेंड वाली जो रो है प्लेस की है. ओके, सो वंस पीरियड्स जो है थ्री प्लेसेस में डिवाइड है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. एंड जो थाउजेंड्स जो पीरियड है वो थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, ये दो पीरियड्स प्लेसेस में थाउजेंड्स को डिवाइड किया जाता है. देन लैक्स, लैक्स पीरियड्स को लैक एंड टेन लैक, इन दो पीरियड में डिवाइड किया जाता है. तो इस प्रकार से इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में हमें पता है. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक. ओके, तो ये जो वंस पीरियड है, वंस पीरियड है उसमें थ्री प्लेसेस होती है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. थाउजेंड्स पीरियड्स में टू प्लेसेस होती है, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, एंड लैक्स पीरियड्स में लैक एंड टेन लैक, दो प्लेसेस होती है. तो ये हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये जो हमने अभी यहां पे पढ़ा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का, ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट जो है लैक्स तक का पार्ट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में टू पीरियड्स में डिवाइडेड है, वंस एंड थाउजेंड्स. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस पीरियड को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है एंड थाउजेंड्स पीरियड को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है. सो ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस एंड थाउजेंड्स दोनों भी जो पीरियड्स है थ्री थ्री प्लेसेस में डिवाइडेड है. हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस पीरियड को थ्री प्लेसेस में डिवाइड किया है, थाउजेंड्स पीरियड्स को टू प्लेसेस में डिवाइड किया गया है. ओके, बट यहां पर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसमें वंस पीरियड को थ्री प्लेसेस में, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेसेस में डिवाइड किया गया है. उसी प्रकार थाउजेंड्स पीरियड्स है
उसे भी थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सो थाउजेंड ऑफ पीरियड्स के थ्री प्लेसेस कौन सी होती है? थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। ओके, सो इस प्रकार से ये इंटरनेशनल प्लेस का सिस्टम है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए। ओके, सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर ए वी विल पुट दिस डिजिट्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो फ्रॉम राइट साइड वी विल राइट 210 210 532 फर्स्ट, देन सेकेंड 7 6 9 1 5 2 लाइक दिस। हम इस प्रकार से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में ये नंबर्स को लिखेंगे एंड आफ्टर राइटिंग वी विल रीडिंग एंड जैसे हम उसे रीड करेंगे उसी प्रकार हमें वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है जिस प्लेस में है उस प्लेस के हिसाब से उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने देखा कि अब फ्रॉम राइट साइड आफ्टर एवरी थ्री डिजिट्स कॉमा इज गिवन देयर। ओके, थ्री डिजिट्स के बाद में कॉमा दिया जाता है, फर्स्ट इज हंड्रेड थाउजेंड कॉमा है ना, थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड उसके बाद में कॉमा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जब हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने जब पढ़ा और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने जब नंबर्स लिखे हैं तो अभी हम उसे कैसे पढ़ेंगे? पीरियड्स के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले थाउजेंड्स पीरियड्स के नंबर पढ़ेंगे। तो थाउजेंड्स पीरियड्स में जो नंबर है उन्हें एक साथ पढ़ेंगे 235,000। अभी से कैसे पढ़ेंगे? 235,000 235,000। देन वंस पीरियड के नंबर पढ़ेंगे 12 235,000 12। ओके, नाउ वी विल राइट द आंसर्स हियर। पीरियड्स के हिसाब से पढ़ेंगे 235,000, सो राइट हियर 235,000 12। ओके, 235,000 12 थाउजेंड के बाद में हमें कॉमा देना है। ओके, देन सेकंड 251,967 सो राइट हियर 251,967 967। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड 400,001 400 400,000 1 400,000 1। ओके, देन फोर्थ 347,948 सो 347,948 48 48। ओके,
देन फिफ्थ 620,087 620,087 620,087 ओके सो इस प्रकार से हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को वर्ड में लिखना है. अंडरस्टूड? सो प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर ए इन योर नोटबुक. राइट फास्ट. Now students, we will solve question number B. And question number B is rewrite the following numbers using Indian place value system. Sorry students, in question number B, we have to rewrite the following numbers using international place value system. In this question, we have to write the following numbers using international place value system. Okay, these numbers are already in Indian place value system. We have to rewrite these numbers using international place value system. So, in question number one, I already taught you that. In international place value system, there are two periods, ones and thousands. International place value system में ones and thousands ये जो दोनों periods हैं, दोनों periods को three three places में divide किया गया है. Okay, three three parts में divide किया गया है. Ones, tens, hundreds, then thousand, 10,000 and 100,000s. Okay. जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लैक प्लेस में जो नंबर आता है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के 100,000 प्लेस में आता है. तो देखिए यहाँ पे 2,05,000 ये जो जो 2 लाख है ये 100,000 की प्लेस में आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखते समय. ओके सो 2,05,000 को हम लिखेंगे 205,000 को हम क्या लिखेंगे 205,000 कॉमा देन वंस पीरियड के जो नंबर्स है वो जैसे के वैसे लिखना है 629. Understood. So, हमें सिर्फ लाख प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस के नंबर को मिक्स करना है. ओके सेकंड देखिए 4,33,000 तो हम इसको लिखेंगे 433,000 सेकंड वंस प्लेस जैसे के वैसे 204. Okay. Then third 806,000. So we will write 806,000. Five hundred fourteen thousand
514,594। ओके, 514,594। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर बी आल्सो इन योर नोटबुक। बाय।